अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ नहीं होगा आपको, हाँ हाँ मैं बस अभी शुभ को दूध पिला के आती हूँ। मुझे माने आइए ना तू, मैं तुझे मार दूंगा। मुझे मारेगी तो मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। कौन तू? अरे शोभ, जी शुभ सर के दूध में क्या मिला रहे हैं? सॉरी गलती से गिर गया। मरेगा,
ये गांव के गवार भी आजकल सॉरी बोलने लगे हैं। कनिका दूसरा दूध लेके आओ। मैं लाती हूँ। भाभी कहाँ रह गई? आप फोन उठाइए, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, जरूरी बात करनी है। भाभी फोन उठाइए। कट क्या? अगर किसी ने गलती से मेरा फोन देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये किसका फोन है? कीजिएगा साहब जी, मारा फोन है। कुछ तो गड़बड़ है, इतना महंगा फोन इस नौकरानी के पास कैसे आया? हेलो, हाँ नफिया बोलो। भाभी अब कहाँ है? अब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ यहाँ सब ठीक है। सुनो तुम बार बार कॉल मत करो, किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ये लड़की, क्या कर रही है? कुछ नहीं मैडम जी, घर से फोन था, बस हाल चाल पूछ रहे थे। अच्छा, तुझे यहाँ नौकरी पर फोन पर बात करने के लिए रखा है या काम करने के लिए? काम कर, नहीं तो घर के बाहर निकाल दूंगी। माफ कर दीजिए मैडम जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। काम कर। सोच रहे एक हवन करवा ले घर में, क्योंकि इस तरह से वो कनिका सब ठीक तो है ना? ये लल्ला नीचे क्यों आ रहा है? शुभ सर। शुभ बेटा। लल्ला। शुभ बेटा। तबीयत ठीक नहीं बेटा, तो नीचे क्या कर रहा है बेटा? जा जा के आराम कर ऊपर। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर भारी हो रहा था। तो बुआ बोला, पहचान रहा है बेटा हमें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लल्ला तबीयत खराब है ना, तो ऊपर जाके आराम करना होगा। दादी मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? हुआ क्या था दादी? हम तो शगुन के घर जाने वाले थे ना, इस चक्कर में मैं कैसे भूल गया? कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है लल्ला। नहीं दादी, हमारी शादी का सवाल है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लल्ला। दादी। लल्ला, इतना फिक्र मत कर, मैंने उनको सब बता दिया है, हम बाद में चलेंगे। और वो बहुत समझदार लड़की है, वहाँ पे सारा कुछ संभाल लेगी। दादी दादी वो संभाल लेगी। हाँ? वो समझदार भी है, लेकिन उसका भाई वो तो पहले से मुझसे चिढ़ा हुआ है, वो बात का बतंगड़ बना देगा, फिर हमारा रिश्ता और खराब होगा। नहीं दादी चलिए मेरे साथ। अरे सीता, नहीं। क्यों इतना सोच रहे? अभी अभी तो थोड़ा ठीक हुआ है तू। इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। बुआ
अब चाहती है ना मैं ठीक हो जाऊँ? अब भी चाहती है ना? हाँ। तो मेरे साथ शगुन के घर चलो अभी। लल्ला, लल्ला, तुझे तेरी दादी पर भरोसा है कि नहीं? सब ठीक हो जाएगा। और देख, पंडित जी ने कहा है कि ये सही वक्त नहीं है ये शुभ काम करने के लिए। हम बाद में जाएंगे। हाँ। ठीक है, हम जाएंगे। तो क्यों पंडित जी से अच्छा मुहूर्त निकल वाले। हाँ। उसके बाद चलेंगे। हाँ ना कदा का। हाँ, 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 चलो ठीक है। हाँ? काम धाम छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसमें क्या है? वो मैडम जी, मैंने सोचा कि मैं सबके लिए मीठे में हलवा बना दूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? खाने से पहले मीठा कौन खाता है? माफ कीजिएगा, मारे को लगा सबको अच्छा लगेगा थोड़ा मीठा खा के। कोई बात नहीं, आप खाने के बाद खा लेना फिर। शगुन रुको, खुशबू बहुत जानी पहचानी लग रही है। तो अच्छा लगा दादी। हाँ। बिल्कुल वैसा बना जैसा शगुन बना थे। अच्छा। खाइए ना। हाँ। आप भी खाओ। हाँ। खाओ 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 खाओ। शगुन जैसा है ना? अच्छा, शगुन बिल्कुल ऐसा बना थे। आओ लल्ला, आओ यहाँ, आओ आराम से दादी। और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम बाकी है तो कर लो और फिर घर जाओ। ओ मैडम जी, काम तो खत्म हो गया आज का, अब मैं घर चलती हूँ। ठीक है, जाओ, कल टाइम पे आ जाना। जी मैडम जी। शगुन वाह। कहते हैं कि लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, पर तुम्हारी गंगा तो उल्टी बह रही है। तुम महारानी से अब नौकरानी बन गई हो। हा? आपको पता है फूफा जी, वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो कभी भी बदल सकता है, और आपका वक्त बदलने में वक्त नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि घमंड ना करें। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी इस हालत पर हंसी भी आती है, और तरस भी। लेकिन सच कहूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पे तरस आता है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपका पाप का घड़ा भरता जा रहा है। अभी तो मैं तैयार हूं, अपने भरा हुआ पापों का घड़ा कैसे दिखता है मैं देखने के लिए बेताब हूं। फिक्र मत कीजिए, वो दिन दूर नहीं, और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपको शुभ सर को कुछ नहीं करने दूंगी। शगुन मेरी मानो तो तैयारी कर लो, शुभ को पागल खाने भेजने के बाद तुम्हारी जो हालत है ना, तुम्हारे बहुत काम आएगी। आप मेरी छोड़िए, अपनी सोचिए, क्योंकि फूफा जी मैं आपका काला चिट्ठा सबके सामने ला कर रहूंगी। और आपको क्या लगता है, आप जो शुभ सर के दूध में मिला रहे हैं मुझे नहीं पता? मुझे सब पता है। शगुन प्लीज, शगुन मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। शगुन प्लीज मुझे माफ कर दो। लगता है तुमने मुझे अब तक पहचाना नहीं है शगुन, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, बेनकाब होने वालों में से नहीं, बल्कि लोगों को खाक करने वालों में से हूं। याद रखना। सही कहा आपने,
इससे पहले आपका जहर सब कुछ तबाह करे मुझे कुछ करना होगा। कैसे लोग हैं, जब नौकरी नहीं देनी होती तो ऑफिस क्यों बुलाते हैं? ताई, इन कपड़ों में क्या कर रही है? ताई, 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 दादा, दादा चलेंगे? ऑटो में? ताई, ताई। नव्या, अरे करी पत्ता खत्म हो गया, जाकर लेकर आ। ऐसे क्या देख रही है? स्वादिष्ट भोजन खाना है ना? हाँ, ले पैसे ले, जा जल्दी लेकर आ, जा जल्दी। करी पत्ता यहाँ दे। जल्दी करना, मेरे आदमी को जाने का एक काम। अरे रुको, वो भरने दो ना, उसके बाद ही तो। अरे तू रोज नहीं 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 कड़ी पत्ते का पौधा है ना? हाँ वही है। आंटी मैं कुछ पत्ते ले लूँ प्लीज? वो क्या है ना बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अपने ही तो है, जितने पत्ते चाहिए उतने तोड़ लो। हाँ थैंक यू। हाँ अब मजा आएगा इस अंग्रेज की औलाद को सीधा करने में। ए लड़की, ये क्या कर रही है? चोर कहेगी मेरे पैर से करी पत्ता चुरा रही है? नहीं आंटी, मैं चोरी नहीं करती, मैं तो बस पत्ते ले रही थी थोड़े से। चेहरा इतना भोला भाला और इसके कारनामे तो देखो। और मैं सच में चोरी नहीं की आंटी, मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने देखा अपनी आंखों से। हमने भी देखा। मैंने पूछ लिया आंटी, मैं पूछा था ना आपसे कि मैं पत्ते ले सकती हूँ। हां कितना झूठ बोल रही है, कब पूछा मुझसे? अब जब वो पौधा मेरा है ही नहीं तो मैं क्यों पैसे दूं दवा लेने के लिए? ना चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हां करी पत्ता चोरी ले सके। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने चोरी नहीं की, आप मुझे पैसे ले लीजिए। बहुत हो गया तेरा नाटक, हम भले अमीर ना हो पर तेरी तरह चोर नहीं है। समझी? तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, सुना था देख लो। सॉरी बोल रही हूँ ना, पैसे ले लो। मैंने बोला ना पैसे का घमंड मत दिखा। बदतमीज़ है, आपने पैसे जमीन पर फेंक दिए। क्या हुआ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं कुछ पत्ते लेने आई थी, मैंने नाटी से पूछा था पर इन्होंने कहा ले लो, पर सब लोग चोर चोर बोल रहे हैं, मुझे हाथ पकड़। चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है इसे, ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हम। मेरे पेड़ का कड़ी पत्ता चुरा रही थी। अरे काकी, अगर दो तीन पत्ते तोड़ लिए तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई? बच्चा समझ के माफ कर दीजिए ना। और वैसे भी नव्या यहाँ पे नहीं है, उसे नहीं पता है कि किसी के घर से पत्ते नहीं तोड़ते। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा ले लो पत्ते। आपने क्यों बोला था इसे पत्ते तोड़ने के लिए? क्या बोलूंगी काकी, झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रही। शगुन दीदी, शगुन दीदी, मम्मी झूठ बोल रही है, ये दीदी सच बोल रही है। तू रुक, तुझे यहाँ पे देखती हूँ। ये क्या कर रही है? एक तो सच बोल रहा है, झूठ बोल रही है, ऊपर से आपसे थप्पड़ मार रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे माफ कर देना शुरू, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर नहीं आ पाया, लेकिन मेरा विश्वास करो तुम्हारा ऐसा कभी नहीं होगा। शुभ सर ये सब बातें छोड़िए, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी तबीयत। बस वो ठीक रहे, बाकी सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। जानती हो अगर तुम मेरे पास होती तो मुझे कभी ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें बहुत याद करता था, चाहता था कि तुम मेरे आस पास हो और मैं ठीक हो जाऊँ और फिर तुम्हें अपना बना सकूँ। पर मैं तो आपके साथ ही थी। मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं तो आपसे दूर रह नहीं सकती, आप बस अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में देखिए। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे। चल कैसी हो तुम? अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए दवाई ली कि नहीं? अब
बस अब थोड़ी देर मिलूंगा। नहीं नहीं थोड़ी देर नहीं, अभी लीजिए। अरे ठीक है, तुम कहती हो तो अभी ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूँ, और जैसा योग ने कहा था कि तुम्हारे घर आके तुम्हारा हाथ मांगू, बिल्कुल वैसे ही होगा। और फिर तुम पूरे सम्मान के साथ मेरे घर में मेरे साथ मेरी पत्नी बन के रहोगी। भाई इतनी रात को किससे बात कर रही है? कुछ भी नहीं, किसी से भी नहीं। वो देखा इसलिए आपने एक बार फिर बेताई को धोखा दिया है। आपको पता है रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हम इंसान ही कत्ल करते हैं, अपनी नजरअंदाजी से और अपने घमंड से। जो, जो, जो मेरी बात सुनो, जो युग, मैं जानती हूँ तेरे दिल में शुभ से कहीं सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। उनका ना आना तुझे मेरी गलत फहमी लगता है? ठीक है ताई, इसको बरकरार रहने दे। फिर बहुत लेट हो गया, जाके सो जा। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पर मुझे इस बारे में बात करनी है। कल शुभ सर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, और तू ऐसी कोई भी गलत बात नहीं करेगा, समझा? मैं जानती हूँ तू उन्हें पसंद नहीं करता, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा?